वंदे गौ मातरम् गाय देसी हो, वह भी चोलिस्तानी नस्ल की और कीमत में भी जायज हो और उसमें भी बार्गेनिंग करने की संभावना हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। हर घर देसी गोवंश, हर खूंटे देसी गोवंश, इस मुहिम को पूरा करने के लिए आज के वीडियो में मैं आपको एक चोलिस्तानी नस्ल की गाय दिखा रहा हूँ, जो भारी भरकम बॉडी स्ट्रक्चर के तो साथ है ही, साथ ही नस्ल की जो शुद्धता है वह भी इस गाय में साफ तौर पर परिलक्षित हो रही है। आप गलकंबल देख सकते हैं, काफ़ी भारी है इस गाय का और छोटे सींग है। बड़े साइज का इस गाय में हम्प है, सुंदर नाभि जो अड्डर से कनेक्टेड है और लंबाई लिए हुए है, शानदार पीठ पुट्ठे की चौड़ाई, हाइट लेंथ और बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वह काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही गाय ठंडे सील स्वभाव में भी है और ब्याने में इस गाय को लगभग 5 से 7 दिन ड्यू है। 5 से 7 दिनों में यह गाय बच्चा देने को रेडी है। अडर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी तेजी से अडर डेवलप हो रहा है। 5 से 7 दिनों में यह अडर काफ़ी तेजी से और आगे भी बढ़ेगा। थनों की बनावट काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सेहतमंद गाय है और जो कलर पैटर्न है, जो कॉम्बिनेशन है कलर का, वह गाय की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। जो व्हाइट कलर के ग्राउंड में कॉफी डॉट्स जो हैं वह काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और अडर बिल्कुल प्योर वाइट है, कंप्लीट वाइट कलर में, लंबी गुच्छेदार पूंछ। और साथ ही साथ इस गाय के बारे में जानकारी के साथ आपको यह भी बता दूं, इस गाय को राजू राव जी, जो श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं, वह इसे सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9588895123। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप इस गाय के बारे में संपूर्ण जानकारी इनसे ले सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो जानकारी हमारे साथ शेयर की है वो आपको बता दूं कि ये दूसरे ब्यात के अंदर है और 14 लीटर दूध क्षमता है इस गाय की। पिछले ब्यात में भी इस गाय ने 13 लीटर दूध दिया है और इस बार अपेक्षा की जा रही है कि ये 14 लीटर तक दूध क्षमता इस ब्यात में बनाए रखेगी। इसकी कीमत राजू राव जी ने 45,000 रुपीज़ डिमांड की है, जो प्राइस नेगोशिएबल भी है। इसमें भी आप कीमत के अंदर मोल भाव कर सकते हैं। गाय सेहतमंद तो है ही, साथ ही दूध क्षमता में भी शानदार है। ब्याने में जरूर 5 से 7 दिन ड्यू है, यह आपके लिए उपयुक्त भी रहेगा क्योंकि गाय ब्याने के नज़दीक के समय में हो तो ब्याने के पश्चात कैसी परवरिश हो यह भी आप जान पाएंगे। साथ ही साथ गाय ने जेर गिराई या नहीं गिराई, इस बात की भी आप पुख्ता जानकारी अपने पास रख पाएंगे जब ये गाय आपके पास होगी। तो ऐसी संभावनाएं जो ब्याने के पश्चात कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनकी भी आप खुद स्वयं जांच कर पाएंगे। वह अपनी देखरेख में भी गाय ब्याएगी तो खाने पीने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।